हेलो, नमस्कार दोस्तों। 15 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल के साथ कुछ मेंस क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज आपको कौन सा मेंस क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो मैंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो जो कि GS3 के रिलेटेड, GS3 से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि जो भी हमारी इन्वायरमेंट पॉलिसी है इसको आपको क्रिटिकली कमेंट करना है इसके ऊपर, और इसके साथ बताना कि इस इन्वायरमेंट पॉलिसी में जो प्रावधान किया गया कि भाई इंडिया के 33% एरिया में फॉरेस्ट है वो करने हैं, तो उसके लिए आपको इस चीज़ पर क्रिटिकली एनालाइज करना है कि इसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या अच्छे स्टेप उठाए गए हैं और कहाँ कहाँ इसमें लेकर होना है, तो वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे उठाने हैं। तो ये आर्टिकल आपको मेनली अटेम्प्ट करना है, सॉरी ये क्वेश्चन आपको मेनली अटेम्प्ट करना है। तो इसके बारे में आप 250 वर्ड में इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो जो भी आप आंसर राइटिंग है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। और जो PDF है वो भी, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं हमारे डिस्कशन की तरफ। आज सबसे पहले जो आर्टिकल है वो मेनली सैनिटेशन के बारे में है। इस आर्टिकल में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो भी हम एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इस आर्टिकल में मेनली फोकस किया गया है कि स्टंटिंग पे, कि स्टंटिंग क्या होती है। सबसे पहले तो इसको देखते हैं। स्टंटिंग का मतलब ये होता है कि बच्चों की जो एज होती है उसके अकॉर्डिंग उनका उनकी हाइट है वो नहीं बढ़ पाना। जैसे किसी बच्चे की एज है 5 साल हो गई बट उसकी हाइट है वो 5 साल की एज के अकॉर्डिंग हाइट बहुत कम है, तो वो सारी चीज़ आती है स्टंटिंग में। इसको कहा जाता है स्टंटिंग, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं बढ़ता है वो आती है स्टंटिंग। तो उसको लेके आर्टिकल ये कह रहा है कि देखो सैनिटेशन है उसका और स्टंटिंग के काफी रिलेशन बताया जाता था, बट अभी रिसेंटली कुछ स्टडीज वगैरह हुई है जिनसे पता चला है कि जो स्टंटिंग है उसमें मेनली प्रॉपर सैनिटेशन का कहीं ना कहीं कमी है वो भी देखी जा रही है। तो इसमें क्या है इस आर्टिकल में वो देखते हैं। इस आर्टिकल में सबसे पहले एक आ गया है कि जो वास जो कि एक नहीं वास इंटरवेंशन की बात की है। वास इंटरवेंशन का मतलब ये है W फॉर वाटर और फिर W A फॉर वाटर और S फॉर सैनिटेशन और S फॉर हाइजीन। मतलब सफाई देखी जाए पानी और अगर हाइजीन वातावरण है तो जो स्टनिंग की जो प्रॉब्लम्स है इसको दूर किया जा सकता है। बट ये आर्टिकल ऐसा कह रहा है कि ये जो वास इंटरवेंशन की जो बात की जाती है इसको बांग्लादेश और केन्या दो जगह पे रिव्यू किया गया था। मतलब बांग्लादेश और केन्या में इस पर फोकस किया गया, बट वहाँ पर ऐसा देखा गया कि 2 साल प्रॉपर ढंग से इस वास सैनिटेशन को कम्प्लीट किया गया था उसके बावजूद भी अच्छा रिजल्ट वो देखने को नहीं मिला। तो उसका मतलब तो ये हुआ कि भाई जो स्टनिंग के लिए जो कही जाती थी कि अगर सैनिटेशन अच्छा होता है, अगर अच्छा इन्वायरमेंट है, मतलब सफाई वगैरह अच्छी है, हाइजीन फूड वगैरह मिलता है बच्चों को और खाने पीने कोई इश्यू नहीं है, तो उस कंडीशन में बच्चों की हाइट वो आराम से बढ़ेगी। बस इस वास जो इंटरवेंशन है इससे तो पता चल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी चीज को आर्टिकल कह रहा है कि भाई क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इंडिया के नजरिए से आर्टिकल राइटर है वो पॉइंट बता रहे हैं। तो राइटर कैसा करना है कि देखो बात ऐसे कि हो सकता है कि इंडिया के लिए वास इंटरवेंशन हो वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि इंडिया की जो डिमांड है, इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है वो अलग तरीके की हैं और बांग्लादेश और केन्या की प्रॉब्लम अलग तरीके की है। तो यहाँ पे बात आती है वो आती है ओपन डेफिसिट की, मतलब खुले में शौच की। तो आर्टिकल ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया में जो खुले में शौच की प्रवृत्ति है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू बांग्लादेश और केन्या से। तो हो सकता है कि इंडिया में ओपन डेफिसिट पर और गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, उस स्टनिंग की जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है। तो इस चीज़ के बारे में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो अच्छी बात है कि ओपन डेफिसिट को गवर्नमेंट कंप्लीट करने के लिए, खत्म करने के लिए बहुत सारे अभियान है वो चला रही है। स्वच्छ भारत अभियान लेके आया था, इसके बाद में गवर्नमेंट है वो टॉयलेट वगैरह बनाने के लिए फंड वगैरह दे रही है, वो सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई है। बट मेनली यहाँ राइटर का फोकस है वो इस चीज़ पे है कि वो आती है बिहेवियर की बात पे कि भाई गवर्नमेंट ने जो टॉयलेट तो बना दिए बट उनका बिहेवियर है वो कौन चेंज करेगा। मतलब लोगों का जब तक बिहेवियर चेंज नहीं होगा तब तक कोई इस चीज़ का फायदा नहीं होने वाला है। तो राइटर इस चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि लोगों को टॉयलेट तो बना दिए गवर्नमेंट ने बट लोग उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए ज़रूरत इस बात की गवर्नमेंट को ऐसी कैंपेन चलानी चाहिए ताकि लोगों का बिहेवियर चेंज हो। क्योंकि देखो जब लोगों के मन में खुद अपने आप डिमांड है कि हाँ अभी हमें टॉयलेट की जरूरत है तब वो लोग अपने आप टॉयलेट बना लेंगे, अदरवाइज आप गवर्नमेंट उनको टॉयलेट बना के दे दें वो उनको यूज़ है वो नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए अपने बिहेवियर चेंज के कॉन्सेप्ट पे जो कि स्वच्छ भारत अभियान का एक अहम हिस्सा हो सकता है। तो इसी बात को राइटर है वो मतलब इसी बात के बारे में राइटर कुछ पॉइंट है वो उठा रहे हैं। तो ये थे इस आर्टिकल के जो कुछ पॉइंट जो हमने डिस्कस किए। अब चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो मेनली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से बारे में। तो इस आर्टिकल में देखते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्या सबसे पहले तो, और फिर क्या इस आर्टिकल में बताया गया। देखो ये आर्टिकल मेनली इसमें यह कहा गया कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो फेयर एक तरीके से ट्रांसपेरेंट जो इन्वायरमेंट है वो तैयार की नहीं रखती हैं। आजकल उनमें काफ़ी करप्शन वगैरह होता है, काफ़ी वो भी धांधलीबाजी वो करती हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि भाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती क्या है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मतलब आप सीधा से ऐसे ले सकते हो कि किसी को भी भाई इन्वेस्ट करना हो तो वो देखेगा कि भाई सबसे सेफ जगह इन्वेस्ट कहाँ कर सकता हूँ ताकि मुझे वहाँ से अच्छा रिटर्न भी मिले और अच्छा आउटपुट भी मिल जाए और
मेरा पैसा भी ना डूबे। इन सारी बातों को ध्यान रखने क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सर्वे वगैरह देखेगा कि जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि हम कई बार फूड वगैरह कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो हम रेटिंग देखते हैं रेस्टोरेंट वगैरह की कि हाँ अच्छा रेस्टोरेंट है, 4+ रैंकिंग है ये, इसकी रेटिंग है। तो उससे क्या होता है कि हमें लगता है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट की क्वालिटी अच्छी है, पैसे भी वसूल हो जाएंगे, सारी ऑल और बात है। तो सेम उसी तरीके से जो पैसा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बिजनेसमैन हो गए कोई भी, या फिर बिजनेसमैन के अलावा जैसे कोई ग्रुप हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई कॉर्पोरेट ग्रुप हो गया, इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, वो सारी चीजों के लिए रेटिंग जारी की जाती है। कुछ एजेंसी होते हैं जिनका काम होता है वो रेटिंग जारी करने का काम करते हैं कि यहाँ पे बताती हैं लोगों को, इन्वेस्टर्स को, कि भाई ये कंपनी है इतनी सिक्योर, अगर आप इसमें इतना इसमें आप पैसा लगा रहे हो तो आपके लिए सेफ है। ये सारी काम होते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के तहत। तो इन सब के बारे में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का है, बात ऐसी है कि अपनी अपनी रैंकिंग देती है। अब देखो इसमें रैंकिंग दी जाती है ऐसे AAA AAA A+ ऐसे B+ इस तरह की। तो इसमें राइटर मतलब इसी चीज को बता रहे हैं कि भाई AAA AAA का मतलब तो ये होगा कि वो काफ़ी सेफ है, मतलब वहाँ पे आप अगर पैसा इन्वेस्ट करो तो सबसे ज़्यादा सिक्योर है। और देखा जाए तो D का मतलब होता है डिफॉल्टर, अगर वहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो तो आपका पैसा डूबने के 99.99% चांसेज हो जाएंगे। अब यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि देखो बिग 3 का कॉन्सेप्ट आता है क्या। सबसे पहले यहाँ पे राइटर बता रहे हैं बिग 3 कि बिग 3 है क्या, इसको देखते हैं। बिग 3 का मतलब है मेनली फिच, S&P, S&P का मतलब है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और मूडी। ये देखो पूरे वर्ल्ड की 3 टॉप क्रेडिटिंग एजेंसी हैं जो कि US बेस्ड हैं। पहली का नाम है फिच, दूसरी है S&P और तीसरी मूडी। इनको मैंने बिग 3 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इनकी काफ़ी पॉपुलरिटी और काफ़ी अच्छी इनको माना जाता है। बट अभी रिसेंटली कुछ ऐसे डाटा आए हैं जिनसे पता चला कि ये भी धांधलबाजी वगैरह है वो करती हैं। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो जो बड़ी ये क्रेडिटिंग एजेंसी है ना, ये भी कई बार धांधलबाजी करती हैं और अच्छा रिजल्ट है, एक तरीके ट्रांसपेरेंट जो वातावरण है वो कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करवाती है इन्वेस्टर्स को। तो उसकी वजह से होता है कि कस्टमर का पैसा डूब जाता है। फिर यहाँ पे बात आती है 2008 के क्राइसिस की, कि 2008 में जो US में जो क्राइसिस आए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, उसके लिए भी अहम जिम्मेदार है। सॉरी, उसके लिए अहम जिम्मेदार इनको इसलिए बताया जाता है क्योंकि उस टाइम पे इन जो क्रेडिटिंग एजेंसी है ना, S&P, मूडी वगैरह, इन्होंने ऐसे ऐसे जो बैंकर्स, ऐसे ऐसे बैंक थे और ऐसी ऐसी बैंकिंग एजेंसीज थी जिनको काफ़ी अच्छी रैंकिंग दे रखी थी, बट उसके बाद भी वो डूब गई और वहाँ पे हालात उनके अंदर से ख़राब थे। मतलब उन्होंने करप्शन वगैरह किया था और एक तरीके से पार्सलिटी की थी। तो उसी चीज़ को लेकर राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो ये क्रेडिटिंग एजेंसियाँ ये भी साफ नहीं है, मतलब इनका कैरेक्टर भी साफ नहीं है, इन्होंने भी काफ़ी धांधलेबाजी की है। आगे बात आती है इंडिया के नज़रिए से। इंडिया के नज़रिए से बात आती है कि देखो क्रेडिटिंग एजेंसी है वो किसी भी कंट्री हो या किसी भी ग्रुप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि क्योंकि देखो अगर क्रेडिटिंग से अच्छी रेटिंग दे रही है, इसका मतलब ये हो कि वहाँ पे इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। बट इंडिया की बात ऐसी आती है कि अभी सिक्योरिटी वगैरह के काफ़ी मामले धांधलबाजी देखी गई ना, उसके बाद इंडिया को इस तरीके के स्टेप उठाने चाहिए कि भाई जो क्रेडिटिंग एजेंसी है वो डोमेस्टिक हो, मतलब इंडिया को फॉरेन जो क्रेडिटिंग एजेंसी है उन पर फोकस नहीं करना चाहिए, इंडिया को घरेलू जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा एक तो ये होगा कि अगर इंडिया की कंपनी होगी तो उसे आराम से रेगुलेट किया जा सकेगा, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और ना ही कहीं फॉरेन वगैरह जाने के लिए इंडिया को मतलब बार बार केस वगैरह भी होता है तो उस केस में बार बार ऐसा नहीं कि फॉरेन इंटरनेशनल कोर्ट में जाके वहाँ पर केस वगैरह करना पड़ेगा। अगर इंडिया की एक क्रेडिटिंग एजेंसी है तो उसका एक फायदा होगा। इसके साथ ही बात आती है सेबी की, कि सेबी है वो आराम से उसको रेगुलेट कर सकेगी, तो इंडिया के लिए वो फायदेमंद होगा। तो राइटर ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर अगर आपको फोकस करना है तो क्रेडिटिंग एजेंसी डोमेस्टिक होनी चाहिए, उसका फायदा होगा ताकि इंडिया जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एक अच्छा माहौल मिल सकेगा और एक ट्रांसपेरेंट सर्विस है वो मिल सकेगी। फिर यहाँ पे बात आती है कन्फ्लिक्ट की बात, कि कई बार क्या होता है जो क्रेडिटिंग एजेंसी है इनमें पब्लिक कन्फ्लिक्ट की बात भी आती है। वो किस तरीके से आती है, वो देखो इस तरीके से आती है कि जो जैसे कोई भी कंपनी मान लो कि कोई एक कंपनी है वो अपनी क्रेडिटिंग एजेंसी वो जारी करती है और उसी की खुद की एक दूसरी कंपनी है जो बनाती है चाय। तो अब ऑब्वियसली आप ये जानते हो कि जो एक रेटिंग है जो अपनी एक रेटिंग भी जारी करती है एक साइड, तो और एक साइड इसका दूसरा काम क्या है, ये एक चाय भी बनाती है, तो ऑब्वियसली ये अपनी कंपनी को ज़्यादा रैंकिंग देगी ताकि इसकी कंपनी को ज़्यादा इन्वेस्टर्स हो। तो एक तरीके से आपस में पब्लिक को कॉन्फ्लिक्ट का मामला सामने आ गया ना, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बोल सकते हो आप इसको, तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। तो राइटर इसके लिए ऐसा कह रहे हैं कि भाई अगर सेबी के तहत इनको रेगुलेट किया जाता है और अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप उठाती है ताकि ये जो कंपनी है एक कंपनी है ये केवल और केवल रैंकिंग जारी करे, केवल रेटिंग जारी करे, ना कि अदर जो इसकी कंपनीज है उसमें हिस्सा, उसमें इसकी पार्टनरशिप या हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे एक तो अच्छी रैंकिंग प्रोवाइड करवाएगी और अच्छा इसका ध्यान है वो रहेगा केवल और केवल रेटिंग की तरफ, अदरवाइज ये अपने बिजनेस की तरफ फोकस करेगी तो उसको लॉस भी हो, इसका लॉस होने का मतलब है कि पूरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो मेनली राइटर ये बता रहे हैं कि देखो एक तो जो
डोमेस्टिक एजेंसी पे फोकस करते हुए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम करना होगा, और कस्टमर का पैसा है ना वो भी बहुत सेफ होना चाहिए, अदरवाइज इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इन सारे स्टेप्स की तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और सेबी को भी कुछ स्टेप है वो उठाने चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे इस आर्टिकल के जो हमने डिस्कस किए। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है ये मेनली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बारे में। इस आर्टिकल में मेनली बताया गया है जम्मू एंड कश्मीर के रिसेंटली केस को लिया गया, जो कि GS3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। इस आर्टिकल में देखो सबसे पहले पॉइंट ये बताया गया है कि अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो सुजवा था वहाँ पे आर्मी बेस पे आतंकी हमला हुआ था, उसी चीज को बात राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इतनी सिक्योरिटी होती है आर्मी बेस पे, उसके बावजूद भी वहाँ पे आतंकी हमला कैसे हो पाया। मतलब आर्मी बेस है, वहाँ पे आर्मी तैनात रहती है 24/7, उसके बाद भी वो जो आतंकवादी थे वो अंदर कैसे पहुंचे, ये सबसे बड़ी बात है, और उन्होंने अटैक कर दिया। तो इस चीज़ के बारे में राइटर अपने तक बता रहे हैं कि देखो जो इंडिया के आर्मी बेस है ना वो काफ़ी सेंसिटिव है, और कई जगह तो ऐसा सीन है कि जैसे आर्मी बेस है यहाँ इस वाले एरिया में, तो उसकी बाउंड्री है वो प्रॉपर ढंग से नहीं है, मतलब टूटी फूटी बाउंड्री है, कई जगह टिन की बाउंड्री लगी हुई है, तो उसको आतंकवादी आराम से बाहर के अंदर आ जाते हैं। तो एक तो मतलब कि यहाँ की बाउंड्री जो एरिया है वो सिक्योर नहीं है। तो सबसे पहली बात तो राइटर इसी इसी बात को फोकस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो फंड रिलीज करना चाहिए, और ये जो इनका सिक्योरिटी एरिया है, जो इनकी वॉल है, इसको बनाना चाहिए, ताकि क्या हो कि आर्मी जो भी अंदर एक्टिविटीज हो रही हो उनके बारे में किसी को पता ना चले, और आतंकवादी आराम से अंदर है वो नहीं आ सके। अब देखो अगर रास्ता टूटा फूटा रहेगा तो आराम से आतंकवादी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो एक तो इस पे फोकस करना है। इसके बाद में राइटर कुछ स्टेप ये बता रहे हैं कि देखो लास्ट ईयर से उरी में भी आतंकी हमला हुआ था, पठानकोट के जो नेवल एयर सॉरी जो एयरफोर्स बेस था वहां पर भी अटैक हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को शो करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रहा है, मतलब हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमी है। आर्मी पे कोई डाउट नहीं उठाया जा रहा है, आर्मी की काबिलियत पे कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे डाउट यहाँ पे जो उठाया जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, मतलब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक आर्मी सोल्जर है वो अकेला कुछ 24 घंटे अपने आप ड्यूटी करता रहेगा, ऑब्वियसली उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। तो बेटर ही होगा कि जो आर्मी जो एरिया है उसके आसपास सिक्योरिटी वो बढ़ाई जाए, और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट किया जाए। इसके लिए डायरेक्टर बता रहे हैं अगले स्टेप कि देखो जो सिक्योरिटी ऑडिट है वो किया गया था लास्ट ईयर, अब सिक्योरिटी ऑडिट में कुछ स्टेप उठाए गए थे और फाइनेंशियल सपोर्ट है वो देने की बात की गई थी। इसके साथ ही जैसे अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली 1487 करोड़ का फंड है वो भी जारी किया था, ताकि इस साल के एंड तक गवर्नमेंट जो जो आर्मी एरिया है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बूस्ट किया जाए तीनों आर्मी के लिए। यह बात आती है आर्मी की, नेवी और एयरफोर्स तीनों की बात यहाँ पे इंक्लूड की जा रही है। बट राइटर ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है गवर्नमेंट ने फंड भी दे दिया है, गवर्नमेंट ने स्टेप उठाने की बात की है, बट हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होगा वो करना होगा इंप्लीमेंटेशन पे, मतलब हमें इन चीज़ों को लागू करना होगा ग्राउंड लेवल पे। जब तक ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी तब तक हमें इस चीज़ को फायदा नहीं मिलने वाला है। अच्छी बात है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे डिसीजन उठ लिया है कि भाई फंड दिया जा रहा है ताकि मिलिट्री वगैरह ढंग से है वो अपना काम कर सके और नेवल बेस में कोई दिक्कत ना हो। बट इसके लिए जरूरत बात है कि जो भी फंड दिया जा रहा है वो प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट होना चाहिए। जब तक फंड प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं होगा, उसको यूज़ नहीं किया जाएगा प्रॉपर ढंग से, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फायदा हमें नहीं मिलेगा। तो राष्ट्र में राइटर इस चीज को और बता रहे आगे कि भाई जो आर्मी बेस है उसकी लोकेशन काफी संवेदनशील होती है, मतलब उसकी लोकेशन बहुत अहम पॉइंट पे होती है। जैसे कई बार तो ऐसा होता हो कि जो आर्मी लोकेशन होती है, आर्मी का जो बेस होता है उस बेस के बाद काफी मात्रा में सिविलियंस रहते हैं, तो उस कंडीशन में आर्मी को भी बहुत सतर्कता से गेम जो मिशन वगैरह वो चलाने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आम जनता रहती है, तो आम जनता को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, या उनको भी कोई आहत वगैरह उनकी भावनाओं को मतलब आहत वगैरह सीन नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते राइटर ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट को कुछ सारे स्टेप तो जैसे ऐसे लेके आने होंगे कि एक तो जैसे टाइम टू टाइम जो मॉक ड्रिल है वो करवानी होगी। अब टाइम टू टाइम मॉक ड्रिल करवाने का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि पता रह जाएगा कि हाँ भाई मॉक ड्रिल हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी सिक्योरिटी में कमी है उनको फोकस किया जाएगा कि अच्छा इस बार यहाँ कमी है नहीं, तो उनको दूर करना होगा। तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि जो भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है या जो भी हमारे सिस्टम में कोई भी कमी है उनको दूर किया जा सकता है। इसके बाद में बात आती है कि इनकी लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटजिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो ऑपरेशन वगैरह चलाने होते हैं टेक्नोलॉजी उनका यूज करना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, जैसे कि लेजर टेक्नोलॉजी होती है, इन सारी का यू टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आर्मी जो नेवल बेसेज हैं इनको गवर्नमेंट सिक्योर वो कर सकती है। तो ये सारे लास्ट में कुछ पॉइंट्स बताए गए राइटर के द्वारा, तो वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो मेनली सीरिया के बारे में है, तो इस आर्टिकल में देखते हैं क्या क्या पॉइंट है वो दिए गए हैं। तो इस आर्टिकल में देखो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है मेनली GS2 के लिए इंटरनेशनल रिलेशन में। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि भाई सीरिया का जो इश्यू है वो अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। सीरिया का इश्यू कितने टाइम से चल रहा है, वहाँ पे सिविल वार चल रहा था, बट उसके बाद भी हालात है वहाँ पे ठीक नहीं है। अब सीरिया का सीन है कैसा वो देखते हैं। देखो सीरिया में अभी तक शांति तो स्थापित हुई नहीं है, तो उस चीज़ को राइटर ये कह रहे हैं कि वहाँ पे रीजन इसलिए, एक तो देखो वहाँ पे असद ग्रुप है,
अब जो असद ग्रुप है वो तो है मेनली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स का सीन है, मतलब एक तो वहाँ पे सीरिया की खुद की जो फोर्स है वो काम कर रही है, इसके अलावा पे दूसरे फैक्टर हैं उसमें, एक तो है टर्की की, कि टर्की की वहाँ पे फोर्स है वो काम कर रही है। अब आपके दिमाग में होगा कि टर्की वहाँ क्या कर रहा है। दूसरी बात आती है कि इसराइल की फोर्स है वो भी वहाँ पे काम कर रही है, तो मतलब टर्की और इसराइल दोनों वहाँ पे क्यों पहुंचे हुए, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। तो इसकी लोकेशन एक बार हम सबसे पहले देखते हैं, ताकि हमें ये मैप अच्छे से समझ में आ जाएगा और हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सीरिया की लोकेशन, एक सेकंड, हाँ ये आप देख सकते हो, ये है मेनली सीरिया का एरिया, और सीरिया के इस साइड वाला जो बॉर्डर है वो टर्की का टच हो रहा है, और इस साइड वाला बॉर्डर है वो आप देखते हो थोड़ा सा बॉर्डर वो इसराइल का टच हो रहा है। तो सीन क्या है कि सीरिया का जो ये वाला एरिया ना जो कि टर्की टच हो रहा है, इस वाले एरिया में रहते हैं कुर्द लोग। तो कुर्द लोग यहाँ रह रहे हैं, और वो जानते हो कि कुर्द लोग अपनी नई कंट्री की मांग करें वो कुर्दिस्तान, तो इस चीज को टर्की वो बिल्कुल सहन नहीं कर सकता कि भाई वो कुर्दिस्तान की मांग करें। तो क्या करता है जो टर्की है वो कह रहा है जो कुर्द लोगों की यहाँ पे आर्मी है, कुर्द लोगों की जो टीम बनी हुई है, फोर्स बनी हुई है, जो कि मेनली टर्की और जो सीरिया वाले एरिया में रहती है, मिले जुले वाले बॉर्डर वाले एरिया में, उनका विरोध कर रही है कि भाई आप उनको मतलब खत्म कर रही है, उनके विरुद्ध ऑपरेशन वगैरह चला रही है। तो एक तो टर्की तो इसलिए भी इसमें इन्वॉल्व हुआ है सीरिया वाले मामले में, और इसराइल का इन्वॉल्वमेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसराइल का भी यहाँ से वो जा रहा था प्लेन, तो उस प्लेन को एक्चुअली क्रैश हो गया था यहाँ पे, मतलब आतंकियों ने हमला कर दिया था। तो उस चीज को लेके अब वो आतंकी प्लेन किसने किया था, तो वहां पे एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्ला। अब जो हिजबुल्ला आतंकी संगठन है वो किसके सानिध्य में काम कर रहा है, हिजबुल्ला जो आतंकी संगठन है वो मेनली काम करता है ईरान के, मतलब ईरान के द्वारा उसको सपोर्टेड है। तो ईरान द्वारा जो सपोर्टेड जो आतंकी संगठन है इसको खत्म करने के लिए इसराइल है वहां पे पहुंचा हुआ है। तो मतलब मेन बात यह है कि सीरिया को अभी क्या है कि युद्ध का मैदान है वो बना रखा है सभी कंट्रीज ने, और वहां आपस में लड़ाइयां वो चल रही है। तो उस चीज को लाइटली कि देखो वहां अभी तक शांति स्थापित नहीं हुई है, और इससे पहले यूएस था और यूएसएसआर भी, मतलब यूएसए और जो रशिया थी वो भी वहां पे थे, और उन्होंने भी काफी प्रोग्राम चले थे। रशिया ने वहां पे असद को सपोर्ट किया था, असद है जो वहां की लोकल फोर्स है, उसने काफी अच्छा सपोर्ट भी दिया था। बट उसके बावजूद भी अभी रिसेंट ये हो गया कि वहाँ पे आईएसआईएस तो खत्म हो चुका है, आईएसआईएस के खत्म होने के वहाँ पे जो बाकी आतंकी ग्रुप है या जो बाकी छोटे छोटे रीजनल ग्रुप है वो वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो काफी बड़ी समस्या आ रही है। इसके लिए कोई ना कोई सभी पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को एक स्टेप उठाना होगा ताकि वहाँ पे शांति बहाल की जा सके। तो ये सारे कुछ पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके बाद में एक छोटा सा आर्टिकल था वो मैंने श्रीलंका के बारे में था, मैंने श्रीलंका के बारे में उसमें पॉइंट ये दिया गया था कि श्रीलंका में देखो अभी वहाँ पे राजपक्षे की जो पार्टी है वहाँ पे लोकल इलेक्शन में जीत गई थी, तो लोकल इलेक्शन में जीती तो उसकी वजह से हुआ क्या कि वहाँ जो सिरीसेना की पार्टी थी उसमें और राजपक्षे की जो आर्मी जो पार्टी थी, इन दोनों में क्या आपस में कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई हो गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जो गठबंधन के बीच सरकार चली है उसमें कुछ इश्यूज हो गया था, बट रिसेंटली इश्यू वो रिजोल्व हो गया। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान होना चाहिए कि वहाँ पे भी चल क्या रहा है, कि हमारे पड़ोसी देशों का हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे सीन हो क्या रहा है। तो मतलब वहाँ भी एक तरीके से जो गठबंधन की सरकार थी उसमें आपस में लड़ाई हो गई थी, बट अभी मामला थोड़ा सेटलमेंट वो हो गया है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन, आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।